हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोनू जरूखा और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाईफाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट इन जयपुर। जयपुर के अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है और इसका जो पे स्केल है वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका जो 4600 ग्रेड पे होता है और 44900 से 142400। तो देखते हैं इस वैकेंसी में कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू बी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जोरावर सिंह गेट, अजमेर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में ये वैकेंसी है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nia.nic.in। तो इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन है 1/2022। इसमें जो हमारी जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, वो आप यहाँ देख रहे हैं डिस्प्ले में, वन पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। और बाकी की और भी वैकेंसी हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, हमको सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर पर ही फोकस करना है। नर्सिंग ऑफिसर की जो ये है, ये रहा वन नर्सिंग ऑफिसर, वन पोस्ट इन अनरिजर्व। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग साथ में रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें कोई भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। और इसी के साथ में यदि बीएससी नर्सिंग आयुष से है वो भी, और इंडियन या स्टेट आयुष काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर किसी की जीएनएम है तो जीएनएम के साथ में उसको, वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और साथ में जीएनएम वालों को 2 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम 25 बेडेड आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशनड अबव, जो उनके लिए भी 25 बेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का। इसी के साथ में डिप्लोमा इन नर्सिंग फार्मेसी ऑफ आयुष, यदि ये है तो उनके लिए भी 25 बेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल देख लेते हैं, पे स्केल रहेगा इसका पे लेवल 7, 44900 से 142400। और एज लिमिट है इसकी 30 ईयर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी टर्म्स कंडीशन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, पहला है एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यदि किसी का EWS सर्टिफिकेट या किसी भी का पर्टिकुलर कैटेगरी से भर रहा है तो उसके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो इस करंट ईयर का। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इस फॉर्म के साथ में आपको क्या सभी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है डेट ऑफ बर्थ के लिए, EWS और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी नर्सिंग का है, एक्सपीरियंस है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लगाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन के लिए तो हमारी पोस्ट है नहीं है, लेकिन यदि हो तो वो भी लगाना है। और मस्ट बी एनक्लोज विद दिस एप्लीकेशन फिलिंग विच द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट वे। ये आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आप ये नहीं देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इन सच डिटेल्स। और नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पॉइंट है हमारा, वन पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटो टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी पेस्टेड ऑन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या है कि आपको वन पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके फॉर्म के राइट कॉर्नर पर आपको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो एंड सेम लेटेस्ट फ़ोटो विदाउट सेल्फ अटेस्टेड, और आपको एक साथ में एक विदाउट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो भी आपको वहां पर अटैच करना है फॉर्म के साथ में। आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियरली एंड लिजिबली रिटन इन कैपिटल लेटर विद पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रेसिप्ट और लेट रिसिप्ट और एनी करस्पॉन्डेंट इंटीमेशन बाई द कैंडिडेट ड्यू टू एलिजिबल एड्रेस इन द सेम एप्लीकेशन फॉर्म।
आपको क्या है कि अपने जो फॉर्म पे एप्लीकेशन फॉर्म के जो पे आपका जो एड्रेस है वो कैपिटल लेटर में क्लियर क्लियर होना चाहिए। और यदि आपको वो क्लियर नहीं लिखते हो तो कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट है वो एलिजिबल करस्पॉन्डेंस नहीं होगा, उस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पोस्ट विच आर फिल्ड बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल बी रिलैक्सड बाई 5 ईयर इन केस ऑफ बिलोंगिंग एप्लीकेंट बिलोंगिंग SC ST। अब इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपर जो एज लिमिट है वो 5 ईयर तक उनके लिए रिलैक्सेशन है। इसके साथ में 3 ईयर फॉर OBC, और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। और 10 ईयर फॉर PH, फिजिकली हैंडीकैप्ड पेशेंट जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और यदि कोई डिफेंस सर्विस से एक्स सर्विसमैन से बढ़ रहा है तो उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस वो एज रिलैक्सेशन है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। और पे स्केल और अलाउंसेस वो सब क्या है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे। और NPS जो आपको पेंशन है वो NPS की होगी। और आपको एप्लीकेंट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल, हाउएवर इन एन एडवांस कॉपी मे बी सेंड विच मस्ट ईच रीच टू द क्लोजिंग डेट। और उनको क्या है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको पहले अपने प्रॉपर चैनल से फॉर्म भेजना है, और फॉर्म जो लास्ट डेट से पहले पहुँच जाना चाहिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर है इसकी लास्ट डेट। और जो आपकी जो क्लोजिंग डेट, रेसिपिएंट एप्लीकेंट बिलोंगिंग असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और जो ये जो दिए हुए हैं आपके मिजोरम मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम लद्दाख JK, इनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर। अब एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटीमेशन फीस द पे पेबल अलॉन्ग विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म बाई डिमांड ड्राफ्ट ओनली। आपको DD के डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है। और किसके फेवर में जो डिमांड ड्राफ्ट होगा, डायरेक्टरेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, इसके फेवर में आपको ये डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जनरल वालों के लिए, जनरल OBC के लिए 2500 और SC ST EWS एप्लीकेंट के लिए 2000 रुपीज़ फीस रहेगी। और भी काफ़ी टर्म्स कंडीशन हैं वो आप इनको रीड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, तो आपको यह फॉर्म डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर दो तरह के आपको फ़ोटो पेस्ट करने हैं, एक इधर और एक इधर। उसमें लिखा हुआ है आपको यहाँ DD नंबर, अपनी कंप्लीट डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, एक्सपीरियंस, ये सब कंप्लीट फिल करने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।